स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ अशक्त विद्या संकुल के ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में चैप्टर नंबर 3 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी उनका अभ्यास करेंगे, जिसके लेखक है धर्मवीर पाटे। विद्यार्थी मित्रों, हमने सबसे पहले जो आगे के वीडियो में पढ़ा था उसका क्या करेंगे, पुनरावर्तन फिर आगे का अभ्यास करेंगे। आगे की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो लेखक है उसका जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में बीता था। जो उसके पिताजी है वो सरकारी नौकरी में अच्छी खासी नौकरी में थे, लेकिन वो गांधी जी के बुलावे पर उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसलिए उसको बहुत ही जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में गुजरा हुआ था। तो भी उसके घर पर पत्र पत्रकारी आती थी। लेखक के घर पर जो पत्रिका आती थी उसके नाम है आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, ये सब है। वो लेखक के घर पर पत्र पत्रिकाएं आती थी और उसकी जो बाल पत्रिका है उसका नाम है बाल सखा और चमचम, वो भी लेखक के लिए खास आती थी। और लेखक की जो माँ है उसको पढ़ाई में बहुत ही मदद करती थी, लेकिन वो गरीबी में भी उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था और आगे बढ़ाया। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी, स्वामी दयानंद की जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों में सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। यानी कि जो उसकी बुक थी सरस्वती, उस दयानंद की जीवनी में वो कैसे थी, वो रोचक शैली में लिखी हुई थी। उसमें जो चित्र थे वो सुसज्जित थे और उसमें तत्कालीन पाठकों के विरुद्ध अदम्य जो साहस दिखाने वाले हैं उसको अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती थी। लेखक क्या बता रहे हैं, उनकी जो घटनाएं थी वो मेरे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लिया कि प्रतिमा भगवान की नहीं होती। यानी कि उसने क्या लिखा था कि जो चूहे को भगवान के पास मीठा खाते देखकर मान लिया कि प्रतिमा जो होती है वो भगवान की नहीं होती। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी मनुष्य विरोधी मूल्य है उपयोग है उनका खंडन करना और अंत में अपने हथियारों को समा करे सहारा देना। यह सब हमें प्रार्थना की बहुत ही रोमांचित करता है। यानी कि लेखक क्या बता रहे हैं कि जो तमाम तीर्थों, जंगलों और हिम शिखरों पर जो साधु बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है और जो भी समाज विरुद्ध मनुष्य विरुद्ध मूल्य है जो रूपयो है उनका खंडन करना और अंत में अपने हथियारों को समाप्त कर उसका सहारा देना। ये सब बातें जानकर लेखक को यह शब्द उनके बारे में बहुत ही रोमांचित कर दिया था। मां स्कूल पढ़ाई पर छोड़ दे, लेखक क्या बता रहे हैं कि मेरे बचपन में जो मेरी माता है वो स्कूल पढ़ाई पर बहुत ही जोर देती थी। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। यानी कि लेखक की जो माता है उसको हमेशा चिंता होने लगती है कि जो लड़का है वो स्कूल पढ़ाई में किताबें वो पढ़ता ही नहीं है, इसलिए वो पास कैसे होगा। कहीं कुछ साधु बनकर फिर से भाग गया तो लेखक को मां को क्या बात चिंता होगी कि जो अब धर्म में धर्म भी बाकी है वो साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते हैं कि जीवन में यही बड़ा काम आएगी पढ़ने को, मैं स्कूल में नहीं भेजा गया था। यानी कि लेखक क्या बता रहा है, मुझे बचपन में स्कूल में बेचा नहीं गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। यानी कि लेखक जब छोटे थे तब उसकी जो शुरू की पढ़ाई थी उसके लिए
पर ही मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पड़कर काल काली कमजोर सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण कर। यानी कि जो उसके पिता है वो यह नहीं चाहते थे कि वो बचपन में किसी गलत संगति में पड़े, यानी वो काली कमजोर सीखे और असंस्कार का ग्रहण करे। वो इसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। अंतवस्त्र में मेरा नाम लिखा गया। अब लेखक क्या बता रहे हैं, कभी पद और अंत में मेरा स्कूल में नाम लिखा गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुका था, तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, यानी कि मैंने तीसरी कक्षा में भर्ती की। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान में से ताजा अनानास लेकर मिट्टी के कुएं में फेंक दिया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी ही ध्यान से पढ़ोगे। यानी उसके पिताजी ने उसको शाम को घुमाने के लिए ले जाते हैं और लेखक को क्या बोलते हैं कि तुम वायदा करोगा वो जो पाठ्यक्रम की किताब वो ध्यान से पढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। माँ की चिंता पिता हो गए। उनका आशीर्वाद था या मेरा जीवन होता परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। यानी कि वो लेखक क्या बता रहे हैं, उनका आशीर्वाद के कारण मैंने जी तो परिश्रम किया और तीसरे चौथे में अच्छे नंबर आए और पांचवें दर्ज में यानी कि पांचवी कक्षा में मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, यानी कि लेखक को अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अच्छे गुण थे। अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे पशुओं की खोजने बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां उनकी बोलियां उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। यानी कि जो पुस्तक थी उसमें जो पक्षियां हैं उसकी जातियां उनकी जो बोलियां उनकी आदतों जो होती है उसकी जानकारी मिलती है। दूसरी किताब थी प्रस्तुत क्रम जिसमें पानी की कथाएं थी। यानी दूसरी किताब उसमें किसकी कथाएं थी, पानी की कथाएं थी। कितने हैं प्रकार के होते हैं, यानी कि जहाज के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा माल लादकर लाते हैं, कहाँ लाद ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है। यानी कि उस किताब में क्या बताया गया, यानी कि जो जहाज होता है वो कौन कौन सा माल लादकर लाते हैं, जहाँ ले जाते हैं और नाविकों की जिंदगी और कैसी होती है उनके बारे में बताया गया था। कैसे कैसे जीव मिलते हैं, जहाँ बेल होती है जहाँ सांप होती है। यानी कि जो कैसे कैसे जीव मिलते हैं और जहाँ बेल होती है और जहाँ सांप होती है उसकी बात भी की गई थी। इन 2 किताबों में एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी की एक खाने में अपनी चीज हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यानी कि जो लेखक है उसके पिताजी हैं वो अपनी अलमारी में एक खाना है वो लेखक को दे देते और बोल रहे हैं कि आज से ये तुम्हारा किताबों का खाना है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबों पढ़ने का शौक तो थी, किताबों इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदनमोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मुगल में एक लाइब्रेरी थी हरी भवन। लेखक के मुगल में कौन सी लाइब्रेरी थी, हरी भवन। स्कूल छुट्टी मिली थी कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। यानी कि लेखक क्या कहते हैं कि जो मेरे मुगल में लाइब्रेरी थी वो उसमें जाकर छुट्टी जो स्कूल में मिलते ही मैं हरी भवन में जाकर पढ़ाई करता।
करता था। यानी कि इस बात को हम बता सकते हैं कि लेखक का जो बचपन है वो गरीबी में बीता था, लेकिन उसके अच्छे से मेहनत करके वो आगे बढ़े। उसको बचपन से ही जो पिता को उसको पढ़ने का शौक था और एकत्री करने का भी शौक था। इन सब बातों से हम बता सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी गद का अच्छे से अभ्यास कर लिया। एक बार आप सारे कार्य देख लें। प्रश्न नंबर एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, ये सब लिख लिखना। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखे, ये सब लिखना। प्रश्न नंबर त्रण, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे, ये सब लिखना। और प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी शब्द लिखे, ये सब शब्द लिखना। और प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखे, ये सब आप अपनी पक्की बुक में लिख देना। स्वागत, थैंक यू।